हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग पीटर। सो आप सबका स्वागत है टू माय वीडियो कंटिन्यूशन ऑफ आवर बिगिनिंग इन डेप्थ गाइड टू सीएसएस। आज हम लोग जैसे कि देख पा रहे टाइटल पे और थंबनेल पे, आज हम लोग बात करने वाले और सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का बारे में आप लोग बात करने वाले। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए बाई सेम बाई डिफॉल्ट मैंने आप लोगों को सीएसएस बैकग्राउंड्स का नोट बना के रखा है। ये इधर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में ये लिंक शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकोगे। ऑन द सेकंड, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज सी एस एस बैकग्राउंड डस इज। सो द सी एस एस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या करता है, आर यूज टू एड बैकग्राउंड इफेक्ट्स फॉर एलिमेंट्स। बैकग्राउंड इफेक्ट जो भी बैकग्राउंड इफेक्ट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कलर एड कर सकते हैं या फिर एक इमेज एड कर सकते हैं, उसका पोजिशन मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स रहते हैं बैकग्राउंड में आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एलिमेंट्स भी रहते हैं। सो कौन सा एलिमेंट्स में अप्लाई करें, बेसिकली बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर यू कैन चूज योर ओन एलिमेंट दैट इज आवर H1 टैग, पैराग्राफ टैग एंड मेनी मोर टैग्स अवेलेबल इन द HTML, राइट। नाउ सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज कितने तरीके के होते हैं, देर आर बेसिकली फाइव ऑफ देम। फर्स्ट इज आवर बैकग्राउंड कलर, द सेकेंड इज आवर बैकग्राउंड इमेज, थर्ड में आता है बैकग्राउंड रिपीट, फोर्थ में आता है बैकग्राउंड पोजीशन, फिफ्थ में आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, और लास्ट में आता है एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दैट इज बैकग्राउंड। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करता है, बस इट कॉम्पैक्ट इट यूजली कॉम्पैक्ट है कोड सो दैट वी डोंट नीड टू राइट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजिशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट फॉर पार्टिकुलर इफेक्ट। ओके, फॉर अ पार्टिकुलर इफेक्ट। सो हम लोग जानते हैं सीएसएस बैकग्राउंड कलर क्या करता है। नाउ द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग एक इफेक्ट होता है दैट इज बैकग्राउंड कलर। इसमें हम लोग जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, राइट। इस वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि ये बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो रहा है, राइट, और वेब पेज में भी बाई डिफॉल्ट इट्स व्हाइट। तो हम लोग बाई डिफॉल्ट इसको हम लोग चेंज करते हैं बैकग्राउंड कलर का थ्रू यूजिंग सीएसएस। आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कितने मैंने एक सिंपल यूज किया दैट इज बॉडी टैग, ये एक सीएसएस है जिसमें हम मैंने बैकग्राउंड कलर कॉलर रेड दिया है। सो इसमें हम लोग कैसा कलर्स ऐड कर सकते हैं, मैंने आप लोग को सिखाया था कि कलर्स कैन बी एडेड इन न्यूमरस फॉर्म, जिसमें होता है नेम से या फिर HSL फॉर्मेट से, RGB फॉर्मेट से, सो बेसिकली और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे विथ CSS ए कलर इज मोस्ट ऑफन स्पेसिफाइड बाई किसमें ए वैलिड कलर नेम, फॉर एग्जाम्पल इसमें रेड दिया है और हेक्साडेसिमल वैल्यू लाइक FF00000, ओके, एंड एन RGB वैल्यू लाइक RGB 255,255,0। आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो में देख पाएंगे कि मैंने आप लोगों को ये कलर सिस्टम का बारे में, CSS कलर सिस्टम का बारे में फुली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं। नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एडिटर है, इसमें मैं क्या क्या करूँगा, CSS एक CSS इंस्टॉल फाइल बन करूँगा दैट इज आवर बैकग्राउंड बैकग्राउंड डॉट HTML, राइट। इसमें मैं एक एम एल एक्सप्रेशन यूज करूंगा दैट इज आवर HTML5, ओके, दिस आर HTML5। इसमें मैं क्या यूज करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिनिमाइज करता हूँ। नाउ इसको मैं करूंगा CSS बैकग्राउंड, तो हम लोग इसमें बैकग्राउंड सीख रहे हैं, राइट, CSS बैकग्राउंड, और इसको मैं सेव करूंगा, और इसमें एक H1 टैग दूंगा। फॉर एग्जाम्पल H1 में सपोज इसमें दिस इज अ टेस्ट, ओके, और एक पैराग्राफ टैग दूंगा, पैराग्राफ इसमें सपोज लोरम दूंगा, लोरम, ओके, लोरम बाय डिफॉल्ट। नाउ इसको मैं प्रीव्यू करूंगा, ओके, कॉपी पार्ट करूंगा, अपना एडिटर अपना वेब ब्राउजर ओपन करूंगा और ये मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज अ टेक्स्ट देन लोरम इप्सम, ये फॉर्मेट आ रहा है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग उसको स्टाइलिंग करेंगे। सो स्टाइलिंग, ओके, हम लोग स्टाइलिंग कैसे यूज करेंगे, हम लोग स्टाइलिंग बेसिकली स्टाइलिंग में आप लोग को सिखाया था कि तीन तरह के स्टाइलिंग हो सकते हैं, इंटरनल सीएसएस से, एक्सटर्नल सीएसएस से, या फिर इनलाइन सीएसएस से। मैं इधर में बस अभी के लिए यूज कर रहा हूँ इंटरनल सीएसएस। तो स्टाइल में मैं क्या ऐड करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बॉडी को मैं एक कलर देता हूँ, सपोज मैं इसको कलर देता हूँ क्या बैकग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या था, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर सपोज हम लोग नेम, RGB फंक्शन, HS और हेक्साडेसिमल यूज कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम यूजिंग एनी नेम दैट इज आवर लाइट ब्लू, सपोज दिस इज अ लाइट ब्लू। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या हो, यू सी द कलर इज चेंजेस टू ब्लू, देख पा रहे हैं द कलर चेंजेस टू ब्लू। सो बैकग्राउंड कलर बेसिकली क्या हो गया, चेंजेस टू ब्लू। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर सी एस एस बैकग्राउंड इमेज। नाउ हम लोग किसी इमेज को इंसर्ट करेंगे, हम लोग को भी जानना है, राइट। सो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है सी एस एस बैकग्राउंड इमेज।
The background image property specify an image to use as a background of an element. Okay, by default the image is repeated, so it covers the entire element. Example body here. Okay, now इसका मतलब है कि the background image property specify an image. यहाँ पे आप लोग image insert कर सकते हैं. So इसका formula क्या रहेगा? That is background background slash background dash image column URL. ये URL रहेगा और URL में कौन सा रहेगा? आप लोग को HTML पता है कि हम लोग URL में कौन सा देता है? इमेज का URL, basically ये copy इमेज एड्रेस देता है, या फिर पार्ट स्लैश फाइलिंग. ये और नहीं है, ये और नहीं है, रिमेंबर दैट दिस इज स्लैश फाइलिंग. जो पार्ट रहेगा, जो डायरेक्टरी रहेगा और उसका फाइल नेम, दैट इज इन फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट का, जैसे कि जेपीएफ हो सकता है, जेपीजी हो सकता है. मैंने आप लोगों को ग्राफिक्स के बारे में एचटीएमएल पार्ट में आप लोग को सिखाया था, आप लोग उधर में जाके फाइल नेम के बारे में और जान सकते हैं बाय डिटेल. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सी एस एस बैकग्राउंड इमेज. हम लोग एक इमेज ऐड करते हैं बेसिकली. ओके, यहाँ पे मैं सेम कोडिंग में अप्लाई करता हूँ. यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ओके, मैं इसको लाइट ब्लू को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एक कमेंट कर देता हूँ. इसको फर्स्ट रिफ्रेश कर देता हूँ. यहाँ पे देखिए फायर इसको सेव नहीं किया तो सॉरी. ओके, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, वाइट हो गए बिकॉज मैंने इसको कमेंट डाउन किया है. नाउ मूविंग ऑन, इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं एक बैकग्राउंड ना बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड इमेज करूँगा. इसमें बैकग्राउंड इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या था? यू आर एफ इन ब्रैकेट, इसमें कोर्स होगा. यहाँ पे इमेज यू आर एल हो सकता है, बेसिकली आप लोग गूगल से डायरेक्टली एक इमेज कॉपी कर सकते हैं, उसका एड्रेस कॉपी कर सकते हो, डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो. बट यहाँ पे मैंने आगे से आप लोग को मैं कोड दिखाऊँ तो सॉरी मेरा फोल्डर दिखाऊँ तो यहाँ पे इमेज वाला फोल्डर मैंने आगे से क्लिक करके रखा है और मैं ये वाला इमेज यूज कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इमेज का टाइप ऑफ फाइल क्या है? ये जेपीजी है. तो बेसिकली मैं इसको फाइल फाइल नेम क्या रखूँगा? इमेज वन डॉट जेपीजी. ये बेसिकली ये केस सेंसिटिव है, अगर आप लोग इमेज ना दे तो ये इमेज ड्रॉ नहीं करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट यूज करता हूँ, दैट इज आवर इमेजेस. इसमें फोल्डर आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे फोल्डर लिखा और इमेज वन. सो मैं इमेज वन डॉट जेपीजी यूज कर रहा हूँ. नाउ सेविंग दिस फाइल. नाउ ओके, सेविंग दिस फाइल एंड रिफ्रेशिंग द डॉक्यूमेंट. ओके, पेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंड बेसिकली आप लोग देख पा रहे होंगे ये इमेज रिपीट हो रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली. राइट, हॉरिजॉन्टल में क्या रिपीट हो रहा है और वर्टिकली भी रिपीट हो रहा है. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दोस देयर इज कम्स अनदर प्रॉपर्टी दैट इज आवर वी कॉल इज आवर बैकग्राउंड रिपीट. बेसिकली फर्स्ट मैं इसको कोड को और थोड़ा बेहतर बनाता हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसमें मैं क्या लिखूंगा? इसमें मैं लिखूंगा फॉर दिस आवर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज के लिए. और इसको मैं बेसिकली लॉक करूंगा. इसको मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करूंगा बैकग्राउंड, इसको मैं बैकग्राउंड कलर करूंगा. ओके, ये बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड इमेज है. नाउ मूविंग ऑन आवर फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग क्या फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स के थ्रू हम लोग जानते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है. राइट, नाउ आप लोग कुछ जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीसी बैकग्राउंड रिपीट दे रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया था यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये आउटपुट में देख पा रहे होंगे ये इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिपीट हो रहा है. सो टू रिमूव दैट यूज वन बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दैट इज आवर कॉल्ड बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी. सो इसको हम लोग जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इज, सो बाय यूजिंग बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी वी कैन मेक बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिपीट अकॉर्डिंग टू यूजर एंड कैन मेक ऑल्सो एंड कैन मेक ऑल्सो नो रिपीट. ओके, अगर हम लोग को चाहिए कि अगर वर्टिकली रिपीट हो या फिर हॉरिजॉन्टली रिपीट हो या फिर वो इमेज को स्टैटिक रहना चाहिए, जैसे कि सपोज द इमेज भी नो रिपीट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ओनली हॉरिजॉन्टल. सो ओनली हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट इज बैकग्राउंड रिपीट दैट इज रिपीट एक्स एक्सिस. यहाँ पे आप लोग को ग्राफ का जरूरत रहेगा कि हम लोग एक्स एक्सिस क्या रहता है और वाई एक्सिस क्या रहता है. नाउ वर्टिकली में हम लोग कैसा यूज करेंगे? बैकग्राउंड स्पीड रिपीट वाई, और इमेज स्पीड में इमेज नो रिपीट में हम लोग ये देखेंगे शोइंग द बैकग्राउंड इमेज ओनली वन स्पेसिफाइड बाई द बैकग्राउंड रिपीट. सो ये रहेगा फॉर्मूला. सो बेसिकली हम लोग इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिखता हूँ कि इसको बैकग्राउंड रिपीट. राइट, तो बैकग्राउंड रिपीट लिखूंगा. नाउ इसके लिए कोडिंग करूंगा दैट इज आवर बैकग्राउंड रिपीट. तो मैं रिपीट को क्या रखूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्या रखता हूँ? नो रिपीट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको नो रिपीट रखता हूँ. अगर नो रिपीट रखता हूँ तो इसको
लोड करो तो इसे इमेज डज नॉट ट्रिगर, ओके, मतलब फिर इमेज स्टे कॉन्स्टेंट, ये रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। तो बेसिकली हम लोग कौन सा, और अगर हम लोग एक्स एक्सिस में करेंगे तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रिपीट एक्स एक्सिस, अगर हम लोग वाई एक्सिस में करेंगे तो रिपीट वाई एक्सिस। सो इसको भी हम लोग टेक्स्ट के लिए जाते हैं, सो नो रिपीट का आप प्रूव करते हैं, मैं उसको लिखता हूँ रिपीट एक्स एक्सिस। सो इसको रिपीट एक्स एक्सिस में दूँ तो इसको ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देख पाए हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टली ये इमेज रिपीट हो रहा है बार बार। और इसको हम इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं अगर वाई एक्सिस करूँ तो तुम्हें रिपीट वाई एक्सिस करूँ तो ये बेसिकली वर्टिकली दिखाएगा, इसको वर्टिकली शो करेगा। नाउ मूविंग इन टू आवर नेक्स्ट पार्ट इज आवर बैकग्राउंड पोजिशन। सो बैकग्राउंड पोजिशन हम लोग कैसे करेंगे, सो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा और सो ये बैकग्राउंड पोजिशन प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। बेसिकली ये क्या करेगा, बेसिकली ये स्पेसिफाई करेगा कौन सा बैकग्राउंड इमेज हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और कौन सा एंगल भी यूज करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉडी, नाउ बैकग्राउंड पोजिशन टॉप, दिस इज द फॉर्मूला, हम लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं जंगल को। नाउ इसको मैं कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या सीख रहा हूँ, हम लोग बैकग्राउंड 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 पोजीशन, और इसमें मैं क्या रखूंगा, इसमें मैं रखूंगा बैकग्राउंड गेम पोजीशन। सपोज मैं इसे लाइक टू तो सेव करो, ओके आउटपुट शो करो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइट में ये बोट में जा रहा है। यहाँ पे मैंने इसे वर्टिकली वर्टिकली किया, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रिपीट को नो रिपीट देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे इमेज टू द राइट साइड आ चुका है, अगर मैं इसको लेफ्ट करूँ तो बाई डिफॉल्ट दिस लेफ्ट, तो इसको डिफॉल्ट ही देते हैं लेफ्ट, तो इमेज लेफ्ट साइड पे आ रहा है इमेज। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड पोजिशन प्रॉपर्टी ऐसा काम करता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर बैकग्राउंड अटैचमेंट, या बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या रहता है कि बैकग्राउंड अटैचमेंट है, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रोल और फिक्स। यहाँ पे मतलब कि जो इमेज रहेगा वो इधर स्क्रोल होगा या फिर फिक्स रहेगा टू द कंटेक्स्ट ऑफ द पेज। सो इसको हम लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला है दैट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड और स्मॉल और सॉरी स्क्रोल। सो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टू आर कोड। नाउ इसको मैं पैराग्राफ को मैं बेसिकली थोड़ा स्क्रोलेबल कंटेक्स्ट डालता हूँ, इसको लोअर 10,000 वर्ड्स लिखता हूँ। सो दिस इज 10,000 वर्ड्स को मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इसको मैं कौन सा सीख रहा हूँ हम लोग, बैकग्राउंड अटैचमेंट राइट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। सो बैकग्राउंड अटैचमेंट हम सीख रहे राइट, बैकग्राउंड बैकग्राउंड अटैचमेंट। सो बैकग्राउंड अटैचमेंट में सपोज मैं क्या दू फिक्स टू, अगर मैं इसको फिक्स टू एंड इसको मैं रीलोड करूँ, जैसे ये इमेज स्क्रोल हो रहा है विथ द कंटेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ टाइप रहा है, जो मैं इसको टाइप 10,000 वर्ड टाइप किया था ये स्क्रोलेबल हो रहा है। ये बेसिकली एक तरह के एड्स में यूज हो जाता है, बेसिकली फोर्स करा जाता है ये एड्स हमेशा पॉप अप रहे फिर स्क्रीन एज लॉन्ग एज वो स्क्रोल करते हैं, सो अंटिल यू क्लोज द एड। सो बेसिकली हम लोग कैसा यूज करते हैं, यूजिंग बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसमें हम लोग यूज करते हैं फिक्स। अगर मैं इसको स्क्रोल रखूँ तो ओके, इसको अगर मैं स्क्रोल रखूँ तो क्या होगा, लेट्स सी, इसको अगर मैं स्क्रोल रखूँ इवन रिफ्रेशिंग दिस पार्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द इमेज डस नॉट मूव, ओके द इमेज रिमेन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द इमेज रिमेन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट का साथ स्क्रोल नहीं हो रहा है लोग देख पा रहे होंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज आवर सी एस एस बैकग्राउंड, दैट इज आवर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग अराउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में कैसे अप्लाई करेंगे। सो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आपको बताया था बेसिकली ये कॉम्पैक्ट करता है कोड को, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन सिंगल प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सो बेसिकली हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ये रहेगा, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या सीखे थे कलर,
Second is our image insertion. Third is our attach. Sorry, we call is our repeat, our background repeat. Fourth is our background position. Yeah, and third is the background attachment one. So इसको हम लोग practically देखते हैं. First of all, ये code को मैं copy करता हूँ और मैं एक नया HTML file create करता हूँ for just for sharing. That is short one. Okay, background. यहाँ पे मैं ये सेम कोड को अप्लाई करूंगा. शॉर्टहैंड प्रॉपर्टीज करूंगा. दैट इज बैकग्राउंड शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी क्या है. दैट इज ओनली यूजिंग बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में हम लोग कौन सा रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलर अप्लाई करेंगे. सपोज कलर दिया लाइट ब्लू. राइट, इसमें यूआरएल देंगे. URL में इमेज कॉल करता हूँ. सेम इमेज लेंगे. दैट इज इमेज इमेज वन. और यहाँ पे मैं दूंगा अनमोरी से. और यहाँ पे मैं दूंगा एक्स एक्सिस. सपोज इन डिफॉल्ट लेफ्ट दूंगा. तो इसको मैं कॉपी पार्ट करूँगा. कॉपी पार्ट एंड एक नया एड्रेस में URL में पेस्ट करूँगा. यू सी सेम आउटपुट आ रहा है. यू सी again same output error. Right, the image appears right on the left or by default. Right, basically shorthand property क्या करता है. basically code को compact करने के लिए रहता है. right, now आप लोग को idea हो चुका है कि css background properties हम लोग कैसे apply करते हैं. now let's see to the code. let's see to our ये सारा notes खत्म हो चुका है so for the css background properties. तो ये main notes आप लोग को description box या फिर comment box में link डालूंगा या आप लोग directly download कर सकते हैं. Now, so we have already completed our CSS background properties. Now, तो हम लोग क्या करेंगे. So on the next video हम लोग बात करेंगे अपना CSS borders के बारे में. बात करेंगे border properties, various borders कैसे apply कर सकते हैं. So it video और लंबा नहीं करते. So thank you for watching again and I will see you tomorrow. Have a nice day.